नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मुबारकपुर आजमगढ़ ओवैसी के आगमन पर उमड़ी जनता की भीड़ को देखकर AIMIM के कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद। मुबारकपुर विधानसभा के कस्बा मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब में उमड़ी भीड़ को देखकर मजलिस के कार्यकर्ताओं ने अपने आप को विजय का चेहरा अपने आप को मान लिया है। न्यूज 9 भारत के संवाददाता से खास बात के लिए AIMIM के कार्यकर्ता आदिल आजमी व नौशाद खान संवाददाता से वार्ता के दौरान कहा कि शाह आलम गुड्डू जमाले के क्रियाकलाप को देखकर जनता इस बार AIMIM के बैनर तले विधायक बनाएगी। उन्होंने वार्ता के दौरान कहा कि ओवैसी साहब के कार्यक्रम ने जनता ने गवाही दे दिया कि मुबारकपुर विधानसभा का अगर कोई विधायक होगा तो वह होंगे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ही होंगे। संवाददाता सरफुद्दीन आजमी की खास रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुबारकपुर में। मुबारकपुर की जो सियासी पारा है इस वक्त पूरी अपनी चरम सीमा पर है। आज बालिस्टर वैसुद्दीन के आने के बाद जो है मुबारकपुर के सियासी में कुछ भूचाल सा नज़र आने लगा है। वहीं पे जो है बड़े बड़े दिग्गज जितने भी पार्टी के लीडर हैं वो अपने अपने वोटों के लुभावने के लिए यहाँ जनसैलाब रैलियाँ कर रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं MIM के प्रत्याशी के कार्यालय पर इस वक्त हम मौजूद हैं और बात करते हैं सीधा। आइए, क्या रुख है जनता का, हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आदिल एहसान आजमी, पूर्व महामंत्री छात्र संघ शिवली नेशनल कॉलेज। सर, आज जो है वशी साहब जो है यहाँ पर जो है अपना एक प्रोग्राम करके गए हैं, एक जन सैलाब सा उमड़ा हुआ था, तो इसका कितना बेनिफिट है? अब आपने कहा ना एक वर्ड कि जन सैलाब उमड़ा था, हम नहीं बोल रहे, ये मीडिया वाले बोल रहे हैं। और इसके पहले यही चीज़ मीडिया वाले नहीं बोल रहे थे, आज मीडिया ने बोला कि जन सैलाब। वो जन सैलाब नहीं था, वो वोट था वो वैसी साहब का। ये सारा जो आया हुआ था वो गुड्डू जमाली का वोट था। तो सर, लेकिन जैसा कहा जाता था कि इसमें बाहर के भी लोग थे या यहीं के लोकल लोग थे? नहीं, अब ये है कि यहाँ के लोग थे और अगर कहीं बाहर से उनके मोहब्बत में आए, वो जो लोग बाहर से भी आए वो वैसी साहब के मोहब्बत में आए और वो लोग भी आ करके यहीं पे वो काम कर रहे हैं। क्योंकि गुड्डू जमाली एक ऐसा चेहरा है कि यहाँ 10 साल से वो विधायक हैं, गरीब आवाम यहाँ की, मजदूर और बुनकर समाज उनको दिल से चाहता है। और यही वजह है कि आज जो है यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है, अब बाकी लोग दूसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो एक नंबर पे हैं और अल्लाह मियाँ चाहे तो इंशाल्लाह हम 10,000 वोट से जीतेंगे। बाकी है समाजवादी, बहुजन और BJP, ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि कौन दूसरे नंबर पे आवे, कौन तीसरे, कौन चौथे। हम तो एक नंबर पे आ गए। यहाँ की आवाम की जो मोहब्बत है, प्यार है, वो आपने देखा। और इससे मेरे कहने से पहले ही आपने कहा कि इतना जो जन सैलाब उभरा है। लेकिन सर, कहा जाता है कि जैसा कि कहा जाता है कि ये मुबारकपुर विधानसभा पे आज के डेट में पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र है, आखिर मुबारकपुर विधानसभा सीट पे ऐसा क्या है कि पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र इस वक्त मुबारकपुर विधानसभा पे है? मैं आपको बताऊँ, इस वक्त जो यहाँ से उम्मीदवार है वो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं ही तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान का वाहिद ऐसा एक उम्मीदवार है जिसने सियासत में पैसे के लिए सियासत नहीं किया। यहाँ की सारी आवाम ये जानती है कि पहले लहर रहा हो बीमारी का या दूसरा, सारे नेता यहाँ